ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में लगी कंपनी इन दिनों अवैध खनन सामग्री का जमकर दोहन कर रही है। भू रूपांतरण का मामला हो या बिना अनुमति के खनन, सभी मामलों में शिकायत के बाद भी कंपनी पर ना तो NHAI कार्रवाई कर रहा है और ना ही स्थानीय प्रशासन। मामला है दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र के धनावड़ गांव का। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण में साठगांठ, अवैध खनन सामग्री का हो रहा इस्तेमाल। निर्माण कंपनी ने नियमों को रखा ताक पर। पर्यावरण के साथ सरकारी खजाने को भी लगा रहे चूना। हर पल मंडरा रहा हादसे का अंदेशा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दौसा जिले के कई क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, जहां एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कंपनी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन जिम्मेदार महकमे आंखें बंद किए बैठे हैं। बांदीकुई क्षेत्र के धनावड़ गांव से बिना खनिज विभाग की अनुमति के सरकारी भूमि से मिट्टी उठाई जा रही है, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी खनिज विभाग कार्रवाई के नाम पर खनापूर्ति करने में लगा हुआ है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि साठगांठ के खेल में ग्रामीणों की शिकायत छूमंतर होती नजर आ रही है। वहीं निर्माण कंपनी KCC द्वारा अवैध तरह से कृषि भूमि पर ही रेटा में प्लांट चलाया जा रहा है। सिकराय SDM ने बताया कि कृषि भूमि की कन्वर्जन की फाइल कलेक्टर के पास भेज दी गई है, जो करीब एक साल से दफ्तरों के ही चक्कर काट रही है, जबकि इस तरह के उपयोग के लिए भूमि का कमर्शियल करवाना जरूरी है। एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कंपनी के प्लांट में सुरक्षा के नाम पर कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है। प्लांट में जगह जगह गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के ड्रम भी भरे रहते हैं, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है। प्लांट में बिना अनुमति के 2 बोरवेल भी कराए गए, जबकि राज्य सरकार के आदेशों के मुताबिक पानी की कमी को देखते हुए इलाके को डार्क जोन घोषित कर रखा है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। नियमों की अनदेखी के बाद भी प्रशासन का मौन होना, इसे साठगांठ का खेल कहें या एक्सप्रेस निर्माण कंपनी पर मेहरबानी, आखिर उच्च अधिकारी इस मामले पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ये देखने वाली बात है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।